अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश। क्यों? वो मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, और मतलब कि आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि लेकिन फिर भी बताना तो है, शेयर तो करने बैठी हूँ मैं आप लोग के साथ। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों आज खुश हूँ। मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक नई कंपनी में ज्वाइन किया है एज अ DBM, यानी डिप्टी ब्रांच मैनेजर। वो बहुत टाइम से स्टार हेल्थ कंपनी में थे और वहाँ पे सीनियर SM थे। आज वो सिग्ना TTK में एज अ डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर उनको मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जल्दी मेरे हस्बैंड ब्रांच मैनेजर बने। मैं उन्हें BM बनते हुए देखना चाहती थी। बहुत टाइम से अल्लाह से दुआ कर रही थी, आज मेरी दुआ कबूल हुई। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का भी जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है, जितना भी कहूँ सच में उतना कम है। और मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था लखनऊ में, वहाँ पर थी उनकी मीटिंग एंड उनका एक छोटा सा वेलकम किया था, जहाँ उनका वेलकम हुआ था इन रोज़ेस से। इसमें येलो एंड रेड कलर के रोज़ेस हैं। ये एक बुके है जो उन्हें वेलकम के लिए दिया गया था, आप लोग देख सकते हो। इतना प्यारा है ना। एंड ये फिर आकर उन्होंने मुझे दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश थी और मैं रोने भी लगी थी एकदम से। मतलब मेरे आंसू भर आए थे आंखों में, क्योंकि इतनी खुशी कि मतलब मेरे हस्बैंड एज अ डिप्टी ब्रांच मैनेजर हो गए हैं। एंड लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा और बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो अपने आप को बहुत बिज़ी रखते हैं। उन्हें लगता है लाइफ में जो हमारी मतलब यंग एज होती है ना, हम उसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं ना, वो हम आगे आने वाली एज में नहीं कर सकते। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए अभी से सोच के रखना है, अभी से सब करके रखना है, क्योंकि एक टाइम आएगा कि हमारे हाथ पर नहीं चलेंगे उतना। तो हमें अपने बच्चे का भी फ्यूचर बनाना है और अपना भी। तो मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूँ और काफ़ी खुश हूँ कि उनकी ऐसी सोच है। एंड उसके साथ साथ जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड उनको लखनऊ में बुलाया गया, अब वो इसके बाद दिल्ली जाएंगे 6 दिन की उनकी वहाँ पर जो भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो वो 6 दिन के लिए जाएंगे और फर्स्ट टाइम वो बाई प्लेन जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है उनके लिए। वो तो खुश हैं ही, उससे ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगा चलो मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ अपनी खुशी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड ये सारी चीज़ों के लिए मैंने उनके लिए लाई एक बहुत अच्छा गिफ्ट, जो अभी मैं आप लोग को भी दिखाने जा रही हूँ। बस 2 मिनट दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है उनका गिफ्ट जो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, और खोलकर दिखाती हूँ कि क्या मैं उनके लिए लाई थी। वो लखनऊ में थे, वहाँ से जब रास्ते में थे तो मैं जल्दी से मार्केट गई और उनके लिए लेके आई। मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत उन्हें आगे पड़ेगी। तो ये है तो उनके पास बहुत सारे, मगर अब सारे ही ओल्ड हो चुके, ओल्ड फैशन भी हो चुके हैं उनके पास जो ये चीज़ें हैं। मुझे लगा चलो मैं एक नया सा लेके आती हूँ और एक गिफ्ट के तौर पर उन्हें देती हूँ। तो मैंने लिया है उनके लिए ये ऑफिशियल बैग, जो कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर का है, बहुत प्यारा है। एंड ये है सीजन ब्रांड का, ये आप देख सकते हो। इसके अगर आप लोग बैग वगैरह ले चुके होंगे तो आप लोग को पता होगा काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं सीजन ब्रांड के बैग्स। तो मैंने उनके लिए लिया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड पीछे भी है और अंदर इसके मतलब इस तरह से है काफ़ी। इसमें मतलब 3 जिप दे रखी हुई हैं और काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छे से सामान आ सकता है। एंड ये टांगने के लिए सब बैग वगैरह दे रखी है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बहुत सारे कलर थे बट मुझे लगा कि मतलब जो ऑफिशियल लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ब्लैक चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, जैसे ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्लैक बैग, ब्लैक वॉच, ब्लैक गॉगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जेंट्स पे। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है ये बैग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड और है क्या कि आज मेरे हस्बैंड की एक और कॉन्फ्रेंस मीटिंग है यही, हम क्योंकि हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, कानपुर में ही है, यहाँ पर है 5 नंबर घुमटी, वहाँ पर है सेलिब्रेशन होटल, वहाँ पर उनकी एक मीटिंग चल रही है, जहाँ उनके सिग्ना TTK के जोनल हेड, मतलब जोनल मैनेजर जो हैं वो आए हुए हैं, और स्टेट हेड एंड और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो उनसे काफ़ी मतलब हाई लेवल पे हैं। तो आज उनका वहाँ पर भी वेलकम है एंड उनको मतलब ज्वाइनिंग किट वगैरह दी जाएगी, और जो उनके साथ जो उनके अंडर काम करेंगे वो भी सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं।
तो अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं है इस टाइम, लेकिन जल्दी मैं उनसे भी आप लोग की मुलाकात करवाऊंगी, उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगी और आप लोग से शेयर करूंगी एंड कि उन्हें इस जॉब को एक्सेप्ट करके कैसा लग रहा है, जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो उन्हें कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। लेकिन आप लोग मतलब मैं आप लोग को उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी ये थी उनकी जर्नी, ये अभी फर्स्ट डे है उनकी, आज से ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। शाम को कुछ अच्छा अच्छा करने वाली हूँ उनके लिए, अच्छा अच्छा डिनर तैयार करने वाली हूँ, कुछ मीठा अच्छा सा बनाने वाली हूँ और शेयर करूँगी मैं उनके साथ अपनी खुशी, और आप लोग से भी शेयर करूँगी जल्दी। एंड चलिए देखते हैं क्या होता है, शाम को जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे बताएंगे आज मीटिंग में ये हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं सुनती हूँ बड़े ध्यान से। हाँ, और मैं बहुत खुश भी होती हूँ क्योंकि वो बहुत खुश रहते हैं जब वो सारी चीज़ें बताते हैं खुश होकर, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और जब अपने बच्चे या अपने हस्बैंड खुश रहें तो हमारी भी खुशी उसी में है। और चलिए देखते हैं शाम को जब वो आते हैं तो क्या होता है एंड क्या बताते हैं वो हमें अपने मीटिंग के बारे में। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।